नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दो अलग अलग दिशाओं में जाने वाली दो अलग अलग ट्रेनों में दो बोरियां मिलती हैं। दोनों ही बोरियों में एक ही लाश के कई टुकड़े थे। पहली बोरी इंदौर रेलवे स्टेशन पर मिलती है, जबकि दूसरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर। 1000 किलोमीटर के फासले पर टुकड़ों में मिली इन लाशों की पहेली को सुलझाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन पुलिस काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उस गवाह तक पहुंची जाती है जिसके सामने लाश के टुकड़े हुए थे। लेकिन वो गवाह न सुन सकती थी और न ही बोल सकती थी। अब ये पहेली सुलझे तो कैसे सुलझे? शनिवार 8 जून, इंदौर, मध्य प्रदेश। नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन इंदौर रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी थी। बोगियों की साफ सफाई का काम चल रहा था। इस बीच एक जनरल बोगी में सीट के नीचे एक सफाई कर्मी की नजर एक बोरी पर गई। बोरी संदिग्ध थी, शायद इसलिए क्योंकि बोरी पर खून के धब्बे और मक्खियां मौजूद थी। सफाई कर्मी ने तुरंत इसकी इत्तला इंदौर जीआरपी को दी और पुलिस कर्मियों ने बोरी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मगर जैसा कि डर था वही हुआ। बोरी में एक महिला की लाश के टुकड़े थे। जी हाँ, लाश के टुकड़े। और टुकड़े भी क्या थे, सिर और धड़ का हिस्सा भर था, हाथ पांव गायब थे। जाहिर है मामला कत्ल का था, जिसके बाद लाश यूं भयानक तरीके से ठिकाने लगाई गई थी। अभी पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस की जांच चालू की, लेकिन इससे पहले कि पुलिस को इस महिला के बारे में कोई जानकारी मिल पाती, ठीक इसी से मिलती जुलती एक और कहानी सामने आई। मगर इस बार जगह इंदौर से 1150 किलोमीटर दूर उत्तराखंड का ऋषिकेश शहर था। सोमवार 10 जून, ऋषिकेश, उत्तराखंड। उधर इंदौर पुलिस एक महिला की आधे अधूरे लाश के साथ परेशान थी। इधर उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में भी दो दिन बाद ठीक वैसे ही एक वारदात हुई, जहां 10 जून को रेलवे स्टेशन पर खड़ी योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस की एक बोगी में एक महिला की लाश के टुकड़े मिले। लाश के टुकड़े बोले तो सिर्फ हाथ और पैर का हिस्सा, जबकि यहां लाश का सिर और धड़ गायब था। ठीक इंदौर पुलिस की तरह ही अब ऋषिकेश पुलिस भी इस पहेली को सुलझाने को लेकर परेशान हो। जाहिर है पहेली को सुलझाने के लिए उस स्टेशन का पता करना सबसे पहले जरूरी था, जहां से ये लाश के टुकड़े ट्रेन में रखे गए थे, और उसके लिए ट्रेन के पूरे रूट की स्कैनिंग जरूरी थी। तो जो पहली ही बात पुलिस की नजर में आई वो थी योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस के सोर्स और डेस्टिनेशन, यानी चलने से पहुंचने की जगह। तो इत्तेफाक से ये ट्रेन भी उसी इंदौर शहर से चलती है, जिस इंदौर शहर में महज दो दिन पहले एक महिला की बगैर हाथ पांव वाली एक लाश मिली थी। यानी इस बात की संभावना बहुत ज्यादा थी कि कटे हुए हाथ पैर उसी महिला के हो सकते हैं, जिसकी लाश नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन में मिली थी। अब लाश के इन टुकड़ों को लेकर दोनों शहरों की जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की बातचीत शुरू हो चुकी थी। दोनों ही शहर की पुलिस को ये लगने लगा था कि लाश के ये अलग अलग टुकड़े एक ही महिला के हो सकते हैं। मगर दिक्कत ये थी कि न तो महिला की पहचान पता थी और न ही किसी ने इंदौर या आसपास के किसी शहर में किसी को ट्रेन में लाश के ये टुकड़े रखते हुए देखा था। मगर सबूत के नाम पर पुलिस के पास महिला की बांह पर लिखे ये दो लफ्ज भर थे, जिस पर मीरा बेन और गोपाल भाई लिखा हुआ था। वैसे तो सिर्फ हाथ पर गुदे इन दो नामों के सहारे किसी भी महिला की पहचान पता करना एक मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी कोशिश जारी रखी। पता चला कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर के आसपास के कई इलाकों में आदिवासी लड़कियां अपनी बांह पर अपना और अपने भाई का नाम लिखवा लेती। खैर, कोशिश जारी रही और आखिरकार पुलिस ने महिला की पहचान पता कर ली।
37 साल की ये महिला रतलाम जिले के बिलपांक थाना इलाके की गांव मऊ की रहने वाली मीरा बेन थी, जो 6 जून को अपने पति से झगड़ कर घर से निकल गई थी। और उसके पति ने अपनी पत्नी के घर से चले जाने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। लेकिन सवाल ये था कि मीरा बेन अपनी मर्जी से सही सलामत घर से निकली थी। वो महज 2 दिनों में अलग अलग टुकड़ों में बंटकर 1000 किलोमीटर से ज्यादा के फासले में कैसे बिखर गई? आखिर उस महिला का कत्ल किसने किया और क्यों? लेकिन जब ये लाश के जो बाकी हाथ और पैर के टुकड़े ऋषिकेश से मिले तो उससे हमारी थोड़ी उम्मीद बढ़ी, क्योंकि उसके हाथ में जो है एक नाम गुदा हुआ था गुदने से, तो उसमें मीरा बेन और गोपाल भाई लिखा हुआ था। तो उस नाम के आधार पर हमने ट्रैक करना शुरू किया और हमने SIT गठित की और हम लोगों ने इस पर CCTV के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के माध्यम से और जो हमारे जो गुमशुदगी वगैरह रिकॉर्ड वगैरह उसके माध्यम से, और जो हाथ पे जो नाम लिखा हुआ था बेन और भाई, तो उससे एक संभावना निकाली कि हम ये गुजरात के आसपास के या हमारे MP के बॉर्डरिंग एरिया की महिला हो सकती है। उस आधार पे हमने जो है काफ़ी तलाश की और तलाश करने के बाद उस मृतिका को जो है हमने ज्ञात किया पहले, तो यह मृतिका ज्ञात हुई बिलपांक थाना है रतलाम जिले का, वहाँ के मऊ गाँव की जो है मृतिका होना पाया गया। और उसकी जो है गुमशुदगी का टाइमिंग और ये हत्या के टाइमिंग, ये सब सारे मैच करने के बाद उसके जो है परिजनों से जो कुछ साथ में जो कपड़े थे शॉल वगैरह और कान में जो कुछ उसने रिंग पहनी हुई थी और हाथ के गोदना, इसके आधार पे उसकी पहचान की गई। यानी अब मरने वाली महिला की पहचान पता हो चुकी थी, पुलिस को असली कहानी पता लगानी बाकी थी। पुलिस ने इस कोशिश में महिला के पति से लंबी पूछताछ की और इसी पूछताछ में उसे पहला क्लू मिला। महिला के पति ने बताया कि मीरा बेन घर से जाते समय ये कहकर गई थी कि वो उज्जैन जा रही, यानी इस बात की संभावना ज्यादा थी कि मीरा बेन अपने कत्ल से पहले उज्जैन में, और संभावना इस बात की भी थी कि महिला का कत्ल उज्जैन में ही हुआ हो और कातिल ने उज्जैन रेलवे स्टेशन से ही महिला की लाश के टुकड़े अलग अलग ट्रेनों में रखे। अब पुलिस की सारी तफ्तीश उज्जैन रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द सिमट। पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन, CCTV फुटेज, रेलवे स्टेशन के आसपास एक्टिव मुखबिर, सबकी मदद से मीरा बेन के कत्ल का राज पता करने की शुरुआत कर दी। इसी कोशिश में पुलिस को कुछ ऐसे CCTV फुटेज मिले जिसमें 7 जून को मीरा बेन एक संदिग्ध आदमी के साथ रेलवे स्टेशन से जाती हुई नजर आई। लेकिन यह आदमी कौन था, मीरा बेन उसके साथ कहां जा रही थी, तो मुखबिरों से पूछताछ में उस आदमी की पहचान भी पता चली। वो आदमी उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास ही एक रिहायशी इलाके हीरा मिल की चाल में रहता था। नाम था कमलेश पटेल। कमलेश पटेल मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन पिछले 15 सालों से वो उज्जैन में ही रहता था और कैटरिंग ठेकेदारों के साथ काम किया करता। कमलेश पटेल ने मीरा बेन के मोबाइल में अपनी सिम भी डाली थी। पुलिस को इससे भी आरोपी के बारे में सुराग मिला। ये रहने वाला यूपी का है, ये करीब 15 साल से कमलेश जो है ये यूपी का ललितपुर जिले का रहने वाला है और ये करीब 14-15 साल से यहीं उज्जैन में रह रहा है। उसका कहना है कि मैं लास्ट सिंहस्थ में आया था, यहाँ घूमने फिरने, उसका यहाँ खाने कमाने के लिए यहीं रुक गया। तो वो कैटरिंग वगैरह में जो मजदूर काम करते हैं उस टाइप का काम करता है और वहाँ रहता है, अपने रेलवे स्टेशन के बाहर ही रहता है। अब कुछ समय से वो अपने घर किराए लेके वहाँ रहने लग गया है। अब पुलिस ने बगैर देर किए 55 साल के कमलेश पटेल को हिरासत में ले लिया, लेकिन इस बात से बेखबर कि पुलिस को उसके किए के सुराग और सबूत मिल चुके हैं, कमलेश पटेल लगातार पुलिस से झूठ बोल रहा था। अब दो बड़े सवाल थे, पहला तो यही कि अगर पटेल ने ही मीरा बेन की जान ली तो क्यों ली, और दूसरा ये कि अगर पटेल ने मीरा बेन का कत्ल कर अपने ही घर में उसकी लाश के टुकड़े किए तो फिर उसे ऐसा करते हुए उसके घर वालों में से किसी ने तो जरूर देखा होगा। तो पुलिस को इस सवाल का जवाब भी मिला। पुलिस को पता चला कि पटेल शादीशुदा है लेकिन उसकी बीवी मूक बधिर, यानी वो सुन और बोल नहीं सकती, और उन्हें कोई संतान भी नहीं। यानी अगर किसी को पटेल के कत्ल का राज पता हो सकता था तो वो उसकी मूक बधिर बीवी ही हो सकती थी। मगर दिक्कत ये थी कि पटेल की मूक बधिर बीवी से पुलिस पूछताछ करती तो कैसे करती। तो पुलिस ने इसका भी हल निकाला। पुलिस ने गूंगों बहरों की बातचीत की भाषा यानी साइन लैंग्वेज के कुछ एक्सपर्ट से संपर्क साधा और उन्हें कमलेश पटेल की बीवी से पूछताछ में मदद करने के लिए बुलवा भेजा।
एक्सपर्ट्स ने पटेल की बीवी से बात की और तब सामने आई एक ऐसी खौफनाक कहानी जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो सकता है। पटेल की बीवी ने इशारों ही इशारों में पुलिस को बताया कि कैसे उसका पति 7 मई को मीराबेन को अपने साथ लेकर घर आया था और कैसे उसका कत्ल करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े कर डाले। असल में पटेल ने जब मीराबेन की जान ली तब पटेल की बीवी घर में नहीं थी, लेकिन जब वो मीराबेन की लाश के टुकड़े कर रहा था तब उसकी बीवी घर लौट चुकी थी और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। यानी पटेल की बीवी की गूंगी गवाही से अब इस बात की तस्दीक हो चुकी थी कि कातिल कोई और नहीं बल्कि कमलेश पटेल ही है। अब बस पुलिस को पटेल से पूरी कहानी तफसील से सुननी थी और कत्ल की वजह से लेकर लाश निपटाने के पूरे सीक्वेंस को समझना था। इसके साथ जो है इसकी पत्नी है, पत्नी जो है मूक बधिर है, इसकी पत्नी साथ में थी, लेकिन पत्नी जो है जब ये घटना कर रहा था उस समय ये बाहर चली गई थी। एक्चुअली उसकी पत्नी जो है वो भी भीख वगैरह मांगती है और कुछ कुछ ले आती है, लेकिन जब घटना हो गई तो उसने देखा और काटते हुए उसने साथ में देखा, लेकिन भय के कारण वो किसी को कुछ बता नहीं रही थी। तो ये मूक बधिर होने से इसने इशारे से जब हम इसके घर तक पहुंच गए और इसके घर पे कुछ हमें साक्ष्य मिले कि ये घटना है और उसके जो है तलाशी में जो है मृतिका के कपड़े और घड़ी वगैरह मिली, तो फिर उसकी पत्नी ने भी बताया कि जो है इसने किस प्रकार से गला घोट के और इसकी जो है हत्या की और कैसे काटा। और इशारे से हमको उसको अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर, आप लोग सभी जानते होंगे, मिस्टर ज्ञानेंद्र पुरोहित हैं और मोनिका पुरोहित है जो कि मूक बधिर इनकी संस्था है और ये इसी के लिए काम करते हैं, तो हमने उनसे भी सहयोग लिया। उनने उनसे पूछताछ की, उनका साइन से समझते हुए पूरी घटनाक्रम को उन्होंने बताया। ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल और रतलाम से विजय मीणा के साथ धर्मेंद्र शर्मा, इंदौर आज तक। जब कत्ल हुआ तो चश्मदीद मौके पर नहीं थी, लेकिन जब लाश के टुकड़े हो रहे थे तब वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी और कातिल उसे ये सब कुछ देखते हुए उसे देख रहा था। फिर सवाल ये है कि आखिर कातिल ने उस चश्मदीद को जिंदा क्यों छोड़ दिया, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर ये कत्ल क्यों किया, और फिर कत्ल के टुकड़े उसने 2 अलग अलग ट्रेनों में क्यों रखे। अपने पति से झगड़कर मीराबेन रतलाम से निकलकर उज्जैन पहुंच चुकी थी। अब वो उज्जैन से मथुरा जाना चाहती थी, लेकिन ग्रामीण परिवेश से आने वाली मीराबेन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो मथुरा जाए तो कैसे जाए। इस बीच रेलवे स्टेशन पर कमलेश पटेल की नजर उस पर पड़ी। पटेल ने उसे अकेला देखकर उससे बात की, सहानुभूति जताई और मथुरा की ट्रेन पकड़ने से पहले उसे अपने साथ अपने घर चलने को कहा। असल में पटेल उसके साथ ज्यादती करना चाहता था, वो पहले भी कई महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका था। उसने अकेली महिला को देखकर उसे सिंपैथी जताई और उसे बातचीत करना शुरू की, तो उसने जो है अपना दुख बताया कि मैं जो है अपने पति से विवाद करके आई हूँ और मैं मथुरा जाना चाहती हूँ। तो उसने जो है अकेली जान करके उससे बोला कि मथुरा की ट्रेन तो निकल गई, आप मेरे घर चलो और मैं आपको खाना वाना खिलाता हूँ, जब दूसरी ट्रेन आएगी तो मैं उसको उसमें बैठा दूंगा। अपने अंजाम से बेखबर मीराबेन कमलेश पटेल के साथ उसके घर जाने को राजी हो गई। अगले दिन पटेल ने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी और उसके साथ बलात्कार की कोशिश करने लगा, मगर इत्तेफाक से इसी दौरान मीराबेन को होश आ गया और उसने अपने साथ हो रही ज्यादती का विरोध शुरू कर दिया, शोर मचाने लगी। गुस्से में आकर कमलेश पटेल ने अपने घर में रखे एक बड़े बोल्ट से मीराबेन के सिर पर हमला कर दिया। मीराबेन बेहोश हो गई और तब रस्सी से गला घोंट कर उसकी जान ले ली। कमलेश जब ये सब कर रहा था तो उसकी बीवी घर में नहीं थी, लेकिन जब तक बीवी घर लौटी तब तक वो एक बड़े से चाकू से मीराबेन की लाश के टुकड़े करने में लगा था। उसने मीराबेन की लाश को 3 हिस्सों में बांटा और उसे 3 बोरियों में पैक कर लिया। वहां रात भर उसको रखा, दूसरे दिन इसकी नियत खराब हो गई और इसने कुछ उसको कुछ नशे की कुछ गोली वगैरह मिला के खाने में खिलाया और उसके साथ जब जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा तब वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी और उसने जो विरोध किया, विरोध चिल्लाने पर उसने गुस्से के स्वरूप में उसके हाथ में एक वहां पर एक लोहे का जो रेलवे का नट बोल्ट टाइप का कुछ होता है वो मिला रहा, उसने ऐसे मारा तो उसको बेहोश हो गई, गिर गई, तो ये डर गया, उसको लगा मर गई है, तो उसने जो है रस्सी से उसका फंदा बनाया और उसके गले को घोंट दिया। उसके बाद जब उसकी डेथ हो गई तो फिर इसको कुछ समझ में नहीं आया तो इसने जो है उसको बॉडी को बाहर निकालने के बजाय उसको ठिकाने लगाने का प्लान किया।
इसके बाद वो सबूत मिटाने के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन के यार्ड में पहुंचा, जहां उसने पहली दो बोरियां नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी में रख दी। लेकिन अभी वो तीसरी बोरी रख पाता तब तक ट्रेन चल दी और तीसरी बोरी यानी हाथ और पांव का हिस्सा उसके पास ही रह गया। कई घंटों के बाद उसे तब फिर से एक ट्रेन में तीसरी बोरी रखने का मौका मिला, जब योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस वहां पहुंची। इस बोरी में कटे हुए हाथ पांव थे, जो दो दिन बाद ऋषिकेश रेलवे पुलिस को मिले। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो कातिल ने लाश के टुकड़े अलग अलग ट्रेनों की बोगियों में इसलिए नहीं रखा था कि वो इस मामले की जांच को और ज्यादा उलझा सके, बल्कि इत्तेफाक से दो बोरियों के रखते ही पहली ट्रेन चलने लगी, जिससे उसे तीसरी बोरी रखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और तीसरी बोरी को एक और ट्रेन में जगह मिली। तो सेकंड डे जब ये गाड़ी हमारी जो महू से जो चलती है, जो पैसेंजर गाड़ी नागदा वाली, वो रुकी सुबह 10 बजे, तो उसमें एक बैग और बोरी चढ़ा पाया था। उसके बाद वो ट्रेन चल गई, तो फिर उसके बाद जो है एक बैग उसके पास और रह गया था, तो फिर बाद में शाम में फिर दूसरी एक ट्रेन जब वहाँ पर रुकी तो उसमें जो है उसको भी चढ़ा दिया और वो जाके वो ऋषिकेश वाली ट्रेन जो है थी, जो वो बॉडी उसकी आधा पार्ट मिला है। 8 जून को जिस महिला की कटी हुई लाश इंदौर में मिली थी उसकी पहचान कर ली गई थी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतिका मीराबाई जो अपने पति से झगड़ा करके उज्जैन चली गई थी, आरोपी कमलेश ने महिला को फैला फुसला कर अपने घर ले गया। आरोपी ने नशीली दवाई देके महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसको मार दिया। आरोपी ने महिला के 6 टुकड़े करके ऋषिकेश और इंदौर की ट्रेनों में रख दिए। बहरहाल अब पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया है और कातिल की निशानदेही पर उसके घर से मृत महिला के कपड़े, उसकी घड़ी, चप्पल, मोबाइल फोन की बैटरी, तमाम चीजें बरामद कर ली। और तो और पुलिस को वो नींद की गोलियों का पत्ता भी मिल गया है, जो गोलियां उसने खाने में मिलाकर मीराबेन को दी थी। ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल और रतलाम से विजय मीणा के साथ धर्मेंद्र शर्मा, इंदौर आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।